क्या आने वाले टाइम में इस दुनिया से मेल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? रीसेंट जेनेटिक स्टडीज में एक शॉकिंग बात सामने आई है कि वाई क्रोमोसोम ग्रेजुअली श्रिंक हो रहा है। अब ये वाई क्रोमोसोम क्या है इसे समझ लेते हैं। बच्चे का जेंडर क्या होगा ये मेनली दो क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम। फीमेल चाइल्ड में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और वही मेल चाइल्ड में एक एक्स एक वाई क्रोमोसोम होता है। अब यही वाई क्रोमोसोम जो मेल जेंडर के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो टाइम के साथ लॉस्ट होता जा रहा है। जेनेटिक डेटा से पता चला है कि पिछले 166 मिलियन ईयर्स में वाई क्रोमोसोम के जहां 900 एक्टिव जीन्स हुआ करते थे वही अब सिर्फ 85 एक्टिव जीन्स बचे हैं। इसकी असल वजह पता करना अभी बाकी है। साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा होने की एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वाई क्रोमोसोम इसलिए श्रिंक हो रहा है क्योंकि उसके पास एक्स की तरह पेयर नहीं है, जिस वजह से वो अपनी कॉपी नहीं बना पा रहा है और टाइम के साथ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन वाई क्रोमोसोम को पूरी तरह से खत्म होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे और हमारी साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये डिजास्टर होने से पहले श्योरली कोई तरीका निकल ही जाएगा जिससे सेक्स रेशियो को बैलेंस किया जा सके।